हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग बनने वाली है, एंड तक ज़रूर से देखें। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, बटर डाल देंगे पैन में और बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। बटर से पनीर भुर्जी का स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। 3 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से चला लें। 1/4 टेबल स्पून हींग ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इस पनीर भुर्जी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी फ्लेवर दिया है, जो कि आपको ज़रूर से पसंद आएगी। सभी को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। सभी को अच्छे से चला लेंगे और प्याज को भी चढ़ जाने देंगे। हमारी प्याज अच्छे से चढ़ चुकी है। अब हम इस स्टेज पर 1/2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इससे सब्जी में एक बढ़िया सा कलर आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। थोड़ी देर से हम प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम 1 कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को थोड़ा चढ़ जाने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और मसाले कर लेंगे। पानी ऐड करने से हमारे मसाले पैन में जलेंगे नहीं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और ढककर 3-4 मिनट सभी को अच्छे से चढ़ जाने देंगे। तीन चार मिनट हो गए हैं, टमाटर और मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं और साइड में तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे पनीर भुर्जी का स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों में क्रश करके डाल दे, एक बढ़िया सा फ्लेवर ऐड कर देगा कसूरी मेथी इस सब्जी में। सभी को अच्छे से थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अब हम सब्जी में पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से तोड़ते हुए क्रम्बल कर लेंगे। थोड़े मोटे चंक्स रखने हैं हमें, इसे ग्रेट करके नहीं डालना। इस पनीर भुर्जी में क्रम्बल्ड पनीर ही जाते हैं। सभी को हमने क्रम्बल कर लिया है। अब हम क्रम्बल किए हुए पनीर को पैन में डाल देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा बटर का डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी टेम्पटिंग दिख रही है, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर से दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही टेम्पटिंग रेसिपीज को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सभी को मिक्स करके बस एक मिनट के लिए ढककर सब्जी को धीमी फ्लेम पर रख दें ताकि सभी मसाले पनीर में मिक्स हो जाए अच्छे से। एक मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी बनकर रेडी है। पनीर ऐड करने के बाद ज़्यादा इसे कुक नहीं करना हमें। अब हम फ्लेम को ऑफ करके धनिया पत्ती से गार्निश करके गर्मा गर्म पनीर भुर्जी को पराठा या फिर नान या फिर रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।